वेलकम टू मनीषा बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस के बारे में। तो हमने अभी तक लास्ट लेक्चर्स में यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले टूल्स के बारे में अच्छे से डिटेल से स्टडी कर लिया था। नाउ अब हम देखेंगे कि कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कोई एक स्टेप प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पूरा हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसीजर होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, वो हमारा ये होता है कि हमें जो डिजायर्ड डीएनए चाहिए उसे हमें एक सेल से बाहर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या फिर पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, सेल में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम ऐसा तो है नहीं कि सेल थी और हमने क्या किया डायरेक्टली अपने डीएनए को निकाल लिया, नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सेल होती है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, चाहे वो हमारी प्लांट सेल हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ही क्या कर सकते हैं, हम अपने डिजायर्ड डीएनए को या फिर जीन को वहां से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे होता है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेल्स को, यानी कि डिफरेंट, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, या फिर वो क्या है हमारी फंगल सेल है, हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड से इन सेल को ब्रेक करते हैं, ठीक है। बात करें अगर हम सबसे पहले सेल बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें, तो बैक्टीरियल सेल को हम ट्रीट करते हैं विद लाइसोजाइम, ठीक है। क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं लाइसोजाइम, जिससे क्या होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है एंड बाद में हम अपना क्या करते हैं, डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। बात करें अगर फंगल सेल की, तो फंगल सेल को हम ट्रीट कराते हैं एक एंजाइम दैट इज काइटिनेज, ओके। नेक्स्ट हमारी जो होती है प्लांट सेल को हम ट्रीट कराते हैं, प्लांट सेल किसकी बनी होती है, सेल्युलोज की, ठीक है। तो इसे हम ट्रीट कराते हैं सेल्युलेज, ठीक है। फंगल सेल को हम काइटिनेज से क्यों कराते हैं, क्योंकि फंगल सेल क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। तो हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं, काइटिनेज एंजाइम, ठीक है। इससे याद कर सकते हैं, प्लांट सेल सेल्युलोज की बनी होती है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एंजाइम सेल्युलेज टू ब्रेक दैट सेल, ठीक है। ओके, क्लियर इतनी बात। नाउ अब हमने अपना क्या किया, सेल को ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि सेल के अंदर जो डीएनए है वो एज इट इज तो पड़ा नहीं होता है, क्या करता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। तो हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट अपनी प्रोटीन को ब्रेक करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रोटीन को ब्रेक करना है। प्रोटीन को हम कैसे ब्रेक करते हैं, एक एंजाइम से जिसे कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम, क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट अब क्या है, कुछ सेल्स में आरएनए भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस आरएनए को हम कैसे डिग्रेड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइबो न्यूक्लियस की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंट एंजाइम्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स की सेल का सेल मेम्ब्रेन ब्रेक किया, प्रोटीन आरएनए को डिग्रेड कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा सेल में, हमारा बचा डीएनए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी सेल को चिल्ड इथेनॉल में डिप करते हैं,
जिससे क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो थ्रेड्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, ऊपर सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंशन में क्या होता है, थ्रेड्स की फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, हमने क्या किया, ट्रीट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल विद चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा डीएनए होगा वो क्या होगा, सस्पेंशन में सस्पेंड होता है, ऊपर रहता है, थ्रेड की तरह दिखाई देता है। ठीक है, डीएनए सीन एज थ्रेड्स। ठीक है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है, व्हाइट थ्रेड्स उसमें दिखाई दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक इसी तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा पहला स्टेप, जिसके थ्रू हमने क्या किया, अपने डीएनए को बाहर निकाल लिया सेल से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो होता है, अब हमने क्या किया, डीएनए ले लिया। अब डीएनए ऐसा तो है नहीं कि हमें पूरा डीएनए यूज करना है, हमें क्या चाहिए, उस पूरे डीएनए में से एक छोटा सा पीस चाहिए जो हमारा डिजायर्ड पीस डीएनए का है। ठीक है, या फिर कहें डिजायर्ड पीस ऑफ जीन या फिर डीएनए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे डीएनए में से एक छोटा सा पीस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस कंप्लीट डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इस पूरे डीएनए को इसमें से अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए कट करेंगे। ठीक है, कैसे कट करते हैं, हम इसे यहां पे कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर्स में, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उस वीडियो को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, ट्रीट या फिर कट डीएनए विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जिस तरीके से क्या है, कैची क्या करती है, काटने का काम करती है, इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है एट अ वेरी स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट लगाते हैं। तो जो हमें स्पेसिफिक साइट चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेलेक्ट करते हैं, जो उसे उसकी हमारी डिजायर्ड जो हमें पीस चाहिए वहीं से उसे कट करे। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। नंबर थर्ड आता है आपका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना डीएनए का पीस कट कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हुआ होगा, हमारा पूरे सैंपल में जो डीएनए था हमारा, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया, यहाँ पे हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए भी होगा एंड अनडिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए भी होगा, यानी कि हर तरीके के पीस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने अपना डिजायर्ड पीस कट किया है तो इसके आगे पीछे का पीस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे सैंपल में से, इस पूरे डीएनए के सैंपल में से अपना डीएनए अलग करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसके लिए करते हैं, टू आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या फिर डीएनए। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्टडी कर लिया था। ठीक है, इसको डिटेल में वहां से जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड
जीन। ठीक है, ये क्या होता है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एम्पलीफिकेशन हमें पता है, जनरली हम कहाँ पे सुनते हैं एम्पलीफिकेशन, साउंड के लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर द डिजायर्ड जीन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डिजायर्ड जीन जो हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, कट करके कलेक्ट किया है, हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सैंपल क्या था, अगर कम था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमें बहुत ज्यादा परफॉर्म करना है, अब क्या सैंपल कम है, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने हैं तो दिक्कत आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल डीएनए है, ठीक है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। ठीक है, कैसे होता है ये, विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक दैट इज पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको समझते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, ये वो टेक्निक है, ये वो लेबोरेटरी टेक्निक है जिसके थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, बात करें कि पीसीआर के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पे जो हमें पीसीआर के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सबसे पहला आपका आता है, किसका कर रहे हैं हम यहाँ पे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए करवा रहे हैं, अपने सैंपल डीएनए के लिए, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए के लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या होगी, सैंपल डीएनए, सैंपल डीएनए, क्लियर है इतनी बात। इस सैंपल डीएनए की हमें कॉपीज बनानी है, यानी कि कॉपी बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे नंबर सेकंड, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, तो हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होंगे, न्यूक्लियो टाइड्स, ठीक है, लाइक एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, नंबर थर्ड, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा प्राइमर। ठीक है, यहाँ पे जो हम प्राइमर यूज करते हैं, ये क्या होता है, प्राइमर होता है एक स्मॉल सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की स्मॉल सीक्वेंस होती है, जो क्या करती है, हमें कहाँ से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर कॉपिंग स्टार्ट होगी, वहां के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके ये अटैच हो जाता है। किस तरीके से होता है, अभी आगे समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमर हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितने प्राइमर यूज होते हैं, यहाँ पे हमारे टू टाइप्स ऑफ प्राइमर यूज होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर एंड बैकवर्ड प्राइमर। ठीक है, जो एक रिएक्शन आगे की तरफ ले जाएगा, एक पीछे की तरफ लाएगा। ठीक है, अभी समझेंगे रिएक्शन में किस तरीके से होता है। नंबर फोर्थ जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, क्या होता है टैग पॉलीमरेज, आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, हमें डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक कंडीशन होती है कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन करते हैं, कभी हाई टेम्परेचर होगा बहुत, कभी क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीनेचर हो जाता है, यानी कि अब हमें ऐसा कोई पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल हो। तो यहाँ पे जो हमारा टैग पॉलीमरेज होता है, ये हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर भी रेजिस्ट करता है और डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बात करें इसके आइसोलेशन की, कि कहां से आइसोलेट किया, तो ये एक बैक्टीरिया थर्मस थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है, जो कि एक हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रहने वाला बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट्स ये होती है, किसके लिए, पीसीआर के लिए। अब बात करें कि क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स
ऑफ पीसीआर। तो यहाँ पे जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली थ्री स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है स्टेप डीनेचुरेशन, नंबर सेकेंड आपका आता है एनिलिंग, नंबर थर्ड आता है आपका एक्सटेंशन, ठीक है। किस तरीके से होता है, हम यहां पे कर रहे हैं अपने सैंपल डीएनए का क्या एम्प्लीफिकेशन, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं हम अपनी सैंपल डीएनए की, ठीक है। माना ये हमारा क्या है, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, तो हमें क्या करना है, इस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी ये रिक्वायरमेंट्स थी, जितने भी हमारा डीएनए सैंपल, न्यूक्लियोटाइड, प्राइमर, टैग, पॉलीमरेज, इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एंड क्या करते हैं, थर्मल साइक्लर जिसमें पीसीआर रिएक्शन परफॉर्म होती है उसमें क्या रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हम अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एंड इस स्टेप को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन हमने इस स्टेप को क्यों बोला, क्योंकि डीनेचुरेशन हम इसे बोल रहे हैं, जो हमारा सैंपल डीएनए हो है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, यानी कि इसके जो दो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्या होगा, डीएनए हमारा डीनेचर होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अब क्या हो गया है, हमारा जो हमारा सैंपल डीएनए था वो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में बट गया, दो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाता है, ठीक है। नंबर सेकेंड स्टेप जो हमारा आता है वो आता है एनिलिंग, ठीक है। क्या है हमारा सेकेंड स्टेप, एनिलिंग। एनिलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको चेंज कर देते हैं इनटू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड में बदल देते हैं, ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिलिंग। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा ये सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए है इस पे क्या होता है, जो हमारा प्राइमर है वो आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। जो हमारा प्राइमर होता है वो एनिलिंग की प्रोसेस में क्या करता है, इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है हमारे प्राइमर, ठीक है, ये प्राइमर है, ये आके बाइंड हो गए किससे, इन सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इसको यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, कहां पे करें, नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है एक्सटेंशन, ठीक है। हमारा प्राइमर आके ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमारा ये टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम चेंज कर देते हैं इनटू 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। क्या करते हैं हम, ये जो हमारा टेम्परेचर था 55 डिग्री सेंटीग्रेड इसको चेंज कर देते हैं इनटू 72 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे क्या होता है, जो हमारा टैग पॉलीमरेज प्रेजेंट था यहां पे, जो हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम था वो क्या होता है, इस प्राइमर से आके बाइंड करता है, इस तरीके से हमारे यहां पे प्राइमर थे, ठीक है, इस तरीके से हमारे प्राइमर्स प्रेजेंट थे यहां पे,
ठीक है, तो अब क्या होगा एक्सटेंशन में, जो ये हमारा टैग पॉलीमरेज है ये इस प्राइमर से आके अटैच होता है एंड आगे की रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, किस तरीके से बढ़ाता है, ये टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना, बाइंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होती है, पूरी पीसीआर की प्रोसेस होती है। ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है, एक्सटेंड होना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से टैग पॉलीमरेज की हेल्प से हमारा क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बन जाता है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन परफॉर्म होती है वो अप्रोक्स 30 टाइम्स हम रिपीट करते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, इस सैंपल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज लाइक मिलियंस और बिलियंस कॉपी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सैंपल डीएनए की मिलियन बिलियन कॉपीज को बना सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कॉपीज अब प्रेजेंट है तो हम इजीली अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, तो ये हमारा था पीसीआर। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ नाउ, अब हमारे पास हमारा सैंपल डीएनए आ गया। ठीक है, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया, अपना सैंपल डीएनए का या फिर डिजायर्ड डीएनए को कलेक्ट कर लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, नंबर फिफ्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इंटू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हमने कहा था, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या करता है, एक टैक्सी की तरह फंक्शन करता है जो हमारे इस डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल तक ले जाने का काम करता है, पहला। दूसरा, ये डिजायर्ड डीएनए की क्लोनिंग में हेल्प करता है, होस्ट सेल के अंदर ये डिजायर्ड डीएनए की क्लोनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा वेक्टर के साथ क्या करते हैं, अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को अटैच कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इंटू वेक्टर। ठीक है, किस तरीके से होता है ये हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, नंबर सिक्स स्टेप आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी कि वेक्टर एंड हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, क्या बोला था हमने इसे, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें क्या होता है, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए प्रेजेंट होती है एंड वेक्टर प्रेजेंट होती है, इन दोनों का मिलके क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाना है। तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या, जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए या फिर सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल में पहुंचता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट बनाना होता है, यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कॉम्पिटेंट क्या होता है, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, वो होस्ट सेल जो हमारे डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सकती है, ऐसी सेल को हम कॉम्पिटेंट सेल बोलते हैं। ठीक है, एज इट इज कोई भी होस्ट सेल अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं लेती है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ मेथड्स को यूज करना पड़ता है जिसके थ्रू हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाते हैं। क्या मेथड्स थे वो, लाइक वो हमने जो पढ़े थे वो क्या था, केमिकल मेथड की हेल्प से। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से। ठीक है, बायोलिस्टिक्स की हेल्प से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, नंबर सेवेंथ स्टेप आपका आता है सिलेक्शन ऑफ
रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट्स हम किसे कह रहे हैं? हम रिकॉम्बिनेंट्स उन सेल को बोल रहे हैं जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच चुका है, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बहुत सी होस्ट सेल में पहुंचाया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचा दिया। अब ये पता कैसे चले कि ये सेल में जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा या नहीं? कुछ तो तरीका होगा ना, ठीक है। ये हम कैसे पता लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम मार्कर्स, ठीक है। किसकी हेल्प से? सम मार्कर्स, जिन्हें हम बोलते हैं सिलेक्टेबल, सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। क्या पढ़े थे हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स? क्या क्या थे हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स? लाइक एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन, लाइक एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी सेल हमारी रिकॉम्बिनेंट बन चुकी है और कौन सी सेल रिकॉम्बिनेंट नहीं हुई है। ओके, क्लियर है इतनी बात? अब हमें पता चल गया कि हमारी सेल क्या है, ये वाली सेल रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? ऑब्टेनिंग डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। भैया अभी हमने इतनी महाभारत करी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, डीएनए आइसोलेट किया, ये हमने क्यों किया? इतना काम हमने क्यों किया? क्योंकि हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए होगा, ठीक है। किसी वजह से जो काम ये डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए कर रहा था, ठीक है, जिसके लिए हमने इसको देखा था कि हाँ ये फंक्शन करता है, तो हमें क्या करना है? अब इस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए का जो फंक्शन होगा, जो भी ये प्रोडक्ट बनाता होगा, उसे हमें क्या करना है? लार्ज स्केल पे बनाना है या उसे कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमने पता लगा लिया कि हमारा ये सेल रिकॉम्बिनेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, क्लोनिंग करवाएंगे और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि ये डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए बना रहा था, उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्मॉल स्केल में अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, बट फॉर लार्ज स्केल यहां पे हमने क्या किया, अपना प्रोडक्ट कलेक्ट किया, ठीक है। बट यहां पे क्या है, हम स्मॉल क्वांटिटीज में अपना प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमें अपना प्रोडक्ट 100,000 लीटर्स में बहुत लार्ज स्केल पे करना है प्रोडक्शन, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स को, ठीक है। बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं? ये लार्ज वेसल्स होती हैं जिसमें हम अपनी स्टेराइल कंडीशन में अपने डिजायर्ड सेल्स को या फिर अपनी सॉरी हमारी जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं उन्हें ग्रो करवाते हैं, ठीक है। क्या है ये? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम बायो रिएक्टर्स को यूज करते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से ये वर्क करता है, कितने टाइप के बायो रिएक्टर्स होते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ For the production of large amount of desired gene product, ठीक है। And number last आता है आपका downstream process, ठीक है। क्या होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस? हमने बायोरिएक्टर में अपना प्रोडक्ट फॉर्म करवा लिया, बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्ट फॉर्म करवाया। नाउ अब इस प्रोडक्ट को क्या करना होगा, हमें प्योरीफाई करना होगा, ठीक है, इसकी पैकिंग करनी होगी, ठीक है, जो कि हमें
ह्यूमन नीड के लिए जो भी हमने बनाया है उसको क्या करना होगा, प्योरीफाइड करना होगा, आइसोलेट करना होगा, उसकी पैकिंग करनी होगी, वो सारे प्रोसेस हमारे आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में, जिसमें हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप जो हमारा था वो था आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या फिर पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, सेल को ब्रेक किया और अपने डीएनए को कलेक्ट किया, ठीक है। अब हमारा जो डीएनए हमने कलेक्ट किया है वो बहुत लंबा है, ठीक है, जहां पे हमें डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड डीएनए भी मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए लॉन्ग डीएनए से क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड पीस, माना ये ब्लैक वाला हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। कैसे कट करते हैं हम, यहाँ पे जो अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए कट करते हैं वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से कट करवाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बहुत तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, हम स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज करते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने क्या किया, इस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया। अब क्या हो गए, मल्टीपल पीसेस बन गए डीएनए के। अब ये कैसे पता चले कि मेरा डीएनए कौन सा है, मेरा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए कौन सा है, एंड कैसे मैं इसको इन दोनों से अलग करूंगी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये टेक्निक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाई है, उस लेक्चर को आप जरूर देखें, ठीक है। इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे ये डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, ये मेरे पास एक सिंगल कॉपी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, मुझे बहुत बार इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, इस सिंगल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगी, मिलियन बिलियन और जितनी भी मैं चाहती हूँ उतनी कॉपीज मैं बनाऊंगी। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, ठीक है, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल कॉपी बन गई, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू वेक्टर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अब हमें बनाना है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बनाना है, क्योंकि जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है ये एज इट इज किसी सेल में नहीं जा सकता और ना ही किसी सेल में जाके वहां पे क्लोनिंग कर सकता है, अपनी कॉपीज नहीं बना सकता, ठीक है, रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें किसी की जरूरत होगी जो इसकी हेल्प करे, ठीक है। कौन हेल्प करता है, इसकी हेल्प करता है वेक्टर। वेक्टर क्या करता है, अपने साथ इसे बाइंड करता है, ठीक है, इस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को बाइंड करते हैं वेक्टर से, और इसे हम बोलते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, सेल में जाएगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ठीक है। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है ये, एज अ टैक्सी, ठीक है, ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, क्लोनिंग करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये एज इट इज किसी होस्ट सेल में नहीं जा सकता, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाना होगा, यानी कि उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने होंगे जिसकी वजह से जो होस्ट सेल है ये अपने अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आने दे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में जाना इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारी सेल रिकॉम्बिनेंट हुई या नहीं हुई है, इसके लिए हम कुछ मार्कर्स का यूज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, लाइक एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन या फिर एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट लेक्चर्स में जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, जो अपने किसी एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंट दिखाता है, ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेल को रिकॉम्बिनेंट सेल्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्टेनिंग डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट।
अब जिसके लिए हमने इतना काम किया, फाइनली हमें अपना प्रोडक्ट भी कलेक्ट करना होगा, ठीक है? ये जो डीएनए जिस प्रोडक्ट को बना रहा होगा, अब हमें उसे कलेक्ट करना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है बायोरिएक्टर। अभी तक हमने स्मॉल स्केल पे अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है? नाउ अब हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्ट चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, बायो रिएक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। हमने क्या किया, लार्ज स्केल पे अपना प्रोडक्ट बना लिया, अब हमें उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है, प्योरिफाइड करना है, पैकिंग करनी है, वो सब आपका आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में, ओके? तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने कोई टूल्स नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लास्ट लेक्चर्स में जाके अच्छे से डिटेल से पढ़िए, तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।